जिसमें प्रथम चंद का चुनाव प्रारंभ हो गया है 55 सीटों पर एंड द वेदर इज क्वाइट इंक्लेमेंट बट आई एम श्योर द टर्नआउट इज गोइंग टू बी गुड इनफ बिकॉज़ द कंसेंसस इट इज स्प्रेड आउट ओवर अ मंथ इट वुड बी टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग एज ऑफ एट द एज ऑफ दिस मंथ बट आई एम श्योर द इलेक्शन कमीशन वुड सी दैट in all fairness the elections are conducted there and the moment we have any assessment on it we shall come back and speak to you and the reference of Uttar Pradesh is very very important because it's one of the largest state and possibly the seventh largest state in the world as far as population is concerned with a population of around 200 million people aur tamam desh ke rajneta wahan उपस्थित हैं अपना बयान दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने वाराणसी में कुछ टिप्पणियां की सामान्य विषय तो कई हैं जिस जो उन्होंने कहा है और उनकी शुरुआत कई सारे बिंदुओं से हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं भारतीय जनता पार्टी ने यह जानना चाहा था कि हाँ बदलाव होना चाहिए लेकिन आखिर उनका मानक क्या होगा व्हाट वुड बी हिज पैरामीटर व्हाट व्हिच इज हिज मॉडल स्टेट व्हिच ही वुड लाइक टू रेप्लिकेट इन उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश होगा जो आज दू दू करके तेलंगाना के सवाल पे चल रहा है क्या वो राजस्थान होगा जहां विवादों में सरकार खिली हुई है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जानना चाहेगी कि उत्तर प्रदेश का क्या स्वरूप होगा चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं हमसे अगर ये सवाल कोई करता है तो हम बताते हैं कि हमारा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है जैसे हमारे गुजरात की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है बिहार की सरकार चल रही है तो हम बता सकते हैं कि इनमें से ये मानक हमारा हो सकता है हाँ लेकिन हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ के मानक हो सकते वो भी हो सकता है तो काम काम के मामले में अगर हमें पूछा जाए तो मैंने तो स्वतः आपको बताया है अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा लेकिन मैंने कहा कि कम से कम हमें जानकारी मिलेगी क्या मानक होगा फिर उन्होंने कहा विकास के लिए बातचीत करना चाहिए निश्चित रूप से विकास समझना बड़ा जरूरी होता है लोगों के बीच में हम जाते हैं चुनाव प्रचार में लेकिन भ्रष्टाचार को समझने के लिए किसके पास जाना होता है क्योंकि अभी तक हमने किसी भी सवाल पर उनसे कोई टिप्पणी चाहे वो इस पूरे विषय के बारे में हमने कोई उनका मंतव्य नहीं जाना है तो निश्चित रूप से विकास के लिए लोगों के पास लीलावती जी के पास कलावती जी के पास जाना होता है ताकि समझ सके लेकिन भ्रष्टाचार समझने के लिए कहाँ जाना पड़ता है इसका सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं तो दिल्ली की सरकार लोगों की बहुत इज्जत करती है बुजुर्गों की बहुत इज्जत करती है और उसी संदर्भ में हमने जानना चाहा कि आखिर में बाबा रामदेव और उनके साथ हजारों अनुयायी उनके वहां जब काले धन के सवाल पर बैठे थे तो मध्य रात्रि में उन पर आक्रमण करना उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने उनको गिरफ्तार करना उनको मारपीट के भगाना आज उस भीड़ में उस वृद्ध महिला राजबाला की मृत्यु भी हो गई जो उस दिन जख्मी हो गई थी या फिर अन्ना हजारे को उस उम्र में अपने घर से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लेना तो क्या परिभाषा है उनके इज्जत का और उन्होंने ये कहा कि 22 साल तक उत्तर प्रदेश में चोर कुंडे सब राज करते रहे हैं तो शायद एक अवधि यह भी था कि 2005 से 2007 तक के बीच में उन्होंने मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया था तो क्या वो स्वयं के उस समर्थन के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज भी हम दिल्ली के स्तर पर देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन में जिन बड़ी पार्टियों को उत्तर प्रदेश की सरकार में वो उनकी चर्चा कर रहे हैं उन बड़ी पार्टियों के बीच में उन्होंने उनका समर्थन का पत्र आज भी राष्ट्रपति भवन में पड़ा हुआ है तो दिल्ली का रुख और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वो परिभाषित करते हैं यह समझना बड़ा आवश्यक है लेकिन सभी विषयों में से बहुत सारे और भी उन्होंने चर्चाएं की लेकिन मैं एक विषय पर जो मूल रूप से आना चाहता था वो ये है कि उन्होंने बड़े तेवर के साथ कहा कि जब वो लोकसभा के भीतर भाषण दे रहे थे और उन्होंने लोकपाल विधेयक को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही और
और उन्होंने उस दौरान हमारे भारत पार्टी के वरिष्ठ नेता की भी उन्होंने उल्लेख किया कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। हमने देखा कि लोकपाल विधेयक को किस प्रकार से ऑन अ वेरी फ्लिमसी ग्राउंड हाउ ऑन नाइट ऑफ 30th of December इट वॉज withdrawn or rather the proceedings were stopped. So that doesn't need an explanation, but another aspect which we would like to say that what does he mean by a constitutional status to a legislation? ये बड़ा important है, क्योंकि जो संस्था जिस संस्था के पास संविधानिक अधिकार है, तो a body which has a constitutional status is the CAG. And the report of the CAG which said that the country's faced a loss of 1,76,000 crores, was trashed by one of his senior ministers as by Mr. Kapil Sibal that it is just nothing. So BJP would like to understand what does he understand by giving a constitutional status, a teethless legislation which he wants to give a constitutional status, and could he reply that the constitutional body which was CAG, how in what situation was it rubbished by Mr. Kapil Sibal, or for that matter, the CVC is a constitutional body. And on the appointment of the CVC, the leader of the opposition had, Mrs. Sushma Swaraj, had objected on file saying that I disagree. And that constitutional body, everything was brushed under the carpet. The appointment was made by the Prime Minister, which was ultimately struck down by the Supreme Court. So what does he have to say about this act under a constitutional body? And furthermore, there is something very important, which possibly as a Bharatiya Janata Party would not like to make a comment, but we'd like to understand. Election Commission is also a constitutional body. It has certain mandated powers in it. And we are very surprised, not that we have to cast any aspersion, but we'd like to the country, because this is a body which is fundamentally going to control the elections. The main fabric of elections have to be overseen by and managed by and by the Election Commission. So the Bharatiya Janata Party would like to understand, and I'm sure Mr. Rahul Gandhi would be able to answer, that how come that someone who was related to him, a family member now, or the existing family member, was stopped while riding a motorcycle. So BJP would like to understand, was he wrongly stopped? And if he was rightfully stopped, in what situation an election observer, because we all have been contesting, laws for the election are same for everyone, for the Prime Minister, for the Chief Minister, for a candidate, for an independent candidate, for a campaigner, for a common citizen, laws are same laws are same. So we'd like to understand why he was stopped, and if he was stopped correctly, why was the observer removed? So whether it was done by Delhi, on whose behest that action was taken, whether it was the state or the center, on whose behest? Because everyone would like to answer this, like to understand this question. And if so, why were the orders cancelled, and whose behest the orders were cancelled? That he will not be this young officer of 2005 batch will not. Because the functioning of an observer during the election is sacrosanct. He's absolutely, he has the authority to check, take action and report to the commission. So this is also a constitutional body which has, at some point of time, it is thanks to the media which raised a hue and cry that he was, media nahi hota to shayad is samvidhanik sastha ki bhi dhajiyan udti bhi dikhti, kyunki agar kisi rajgharane ka दमाद को अगर रोका जाए और उसके बाद उस अधिकारी को वहां से उसकी तबादला हो जाए जो चुनाव का पर्यवेक्षक हो, तो सवाल उठेंगे ही, और किसी पर आरोप नहीं है चुनाव आयोग पर, एक किसी पर नहीं, लेकिन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि एक संवैधानिक संस्था के अगर अधीनस्थ कार्यरत किसी पर्यवेक्षक को किसी के कार्रवाई पर हटाया जाए और पुनः उसको वहां पुनस्थापित किया जाए, तो ये सवाल निश्चित उठेगा कि भाई आखिर किसने, कौन सा ये मजबूत ताकत दिल्ली में था या कौन सा मजबूत ताकत ये उत्तर प्रदेश में था जिसने उस हरकत पर एक कार्रवाई की और फिर वो हरकत को निरस्त कर दिया गया
देश के लोग जानना चाहेंगे, कोई आक्षेप नहीं है किसी पर, क्योंकि अगले पूरे एक माह तक चुनाव होने हैं और पूरी भारत की निगाहें इस व्यवस्था पर है, तो निश्चित रूप से हम इस संवैधानिक संस्थाओं के इस अहमियत को समझते हुए हम जानना चाहेंगे। और इन्हीं सब विश्लेषणों में, इन्हीं सब विषयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के महासचिव से समझना चाहेंगे कि उनके मानक के हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं का स्टेटस क्या है और क्या होना चाहिए, उस परिभाषा को हम समझना चाहेंगे। और भी कई उन्होंने बातें कही, लेकिन उसमें मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठे वादे नहीं करता, तो उत्तर प्रदेश के परिणाम तो अभी आने हैं, उसके वादे तो बाद में हम देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन दिल्ली की कई सारे वादे थे जो उनके मैनिफेस्टो में, महिला आरक्षण, लोकपाल विधेयक, तो ये सब, इन सब विषयों पर उन्हें क्या कहना है। हम मानते, हम समझते हैं कि वो बिल्कुल गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन इन सब विषयों पर उनका क्या मंतव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि बाबू सिंह कुशवाहा के आने के बाद हमारी वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई आरोप साबित होते हैं या आरोप प्रत्यक्ष दिखता है या, तो हम निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने लगातार इस विषय को उठाया, हो सकता है उसमें चर्चा और भी हुई हो, लेकिन सिर्फ इस विषय पर हम जोड़ना चाहेंगे कि अनीस अहमद खान, जिनको अभी बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया था एमएलए फंड के उस लोकायुक्त की टिप्पणी पर कि ये अवैध उन्होंने किया है, और क्योंकि राहुल जी निरंतर इस विषय को उठाते रहे थे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जब उन्हें बिलासपुर से टिकट दिया गया जो पीलीभीत में है, तो आखिर इस पर भी शायद उनकी कोई राय होगी, क्योंकि उनके खिलाफ भी आयुक्त, लोकायुक्त का रिपोर्ट था, तो अब इस समय अगर इस पर भी अपनी राय दे दे तो शायद देश के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकेगा, और हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ पाएंगे कि उनके मानक क्या थे। वेदर द टेंटेड अनीस अहमद खान विच हैज बीन गिवन अ टिकट एंड अ सिंबल फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी इन बिलासपुर इन पीलीभीत, who was thrown out from Mayawati's party on charges of corruption because Lokayukt had indicted him. So we certainly like to know what are the, on what basis a tainted man like him was also given a ticket, because he has been raising these issues. So it's very legitimate that we also tell him back in the same coin that what is doing. A very distressing situation has arisen now, and possibly we will have a long comment on it later, but I thought it is prima facie important to reflect on what is happening on the economy today. And we have a prime minister who is an economist. We have always said that he is an economist, one of the most brilliant economists which the country could have ever seen as a prime minister. From Harvard, from Oxford, as a former governor of the Reserve Bank of India, as a former finance minister and so forth and so on, and now the prime minister. The reports which are pouring in, and the report which has been published, is that the GDP growth rate has come down to 6.9, will freeze down to 6.9%. And this is itself a disaster. And if this is a fact which is being reported now, and less than 7%, because the Prime Minister all these 5 years has been saying the 11th plan would have a growth rate of 9%. And I would like to quote there that he has been always saying that it's going to be, because we are seeing that manufacturing has come down, mining has come down, construction has come down. The industrial sector, which is approximately 20% of the GDP, has come down. Agriculture growth, which was at least 7%, has come down to 2.5%. It's all struck down. Will the Prime Minister answer why is there is a complete fiasco on the economic front? Why is the government got into such a situation? I would just like to remind, and I have a document on that, on the foreword note of the Planning Commission, 11th plan, the Prime Minister had sent a note on 25th June 2008 and had categorically stated that the 11th plan targets 9% growth, that is a 5-year period ending 2012, which will accelerate up to 10%.
it has come down to 6.9%. And lo behold, again, before that has ended, the most shocking thing is that here is a prime minister whose facts and figures are all in front of him. When he talks to the journalists on a flight, on an international flight, he again says that the 12th plan period will peg the growth at 9%. I'm amazed. The BJP is shocked and amazed that you have an economist prime minister who has failed completely in the 11th plan period, is promising again an untrue situation and a scenario for the 12th plan period. Where is the honesty of this government on the economic front? भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि सकल घरेलू उत्पाद जो देश के प्रधानमंत्री ने 11वीं योजना में कहा था कि 9% होगा और उसका एक्सेलरेटेड भाग 10% होगा, वो आज घट करके प्लान पीरियड के बाद 6.9% हो गया, जो 7% के आसपास होगा। और उन्होंने प्लान पेपर में जो फॉरवर्ड लिखा था 2008 में, उन्होंने कहा था कि ये उपलब्धि होगी। उपलब्धि नहीं होने की स्थिति में जब 12वीं योजना की उन्होंने घोषणा की, तो फिर वो कह रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों में, और दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म पर जाके जब भारत में कोई संकट होता था तो दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाके ये कहते थे कि हमारा देश 9% के गति से बढ़ रहा है। वी विल सर्टेनली लाइक टू नो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इन द फॉलोइंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस ऑफ दिस इकॉनमी। And this would be a very categorical question to the Prime Minister of the country for creating a situation which is all deficit, all losses, failing investments, failing FDIs, all is visible today. तो हम देश के प्रधानमंत्री जी से इस आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए अभी तत्काल, अगर इस मेरे वक्तव्य में ना जोड़ा जाए, अराजकता, भ्रष्टाचार, नॉन मिस गवर्नेंस की बात ना करें, लेकिन इन सब विषयों पर तो देश के प्रधानमंत्री को उत्तर देना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को निश्चित तौर से अगले बजट सत्र में उठाएगी। किसी मित्र ने मुझे कहा था कि बिहार के मामले में अगर आप कोई चर्चा कर दे, हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सशक्त सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है, और कुछ बयान जिसके कारण, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिसके कारण किसी को आपत्ति हो, उत्तर प्रदेश में हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ये शुरू कर प्रारंभिक तौर से ये निर्णय हुआ था, तो मुझे लगता है इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कुछ ऐसा विषय नहीं है जिसको हम ज्यादा उसकी उल्लेख करें, और हम ये जरूर मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बड़े राज्य में चुनाव में सबकी भागीदारी हो रही है, लेकिन बिहार ऐसे प्रांत जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, हमने अच्छी सरकार बिहार में दी है, और शायद ये कुछ लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है क्योंकि लोगों का जनाधार वहां से खिसक गया है, तो ऐसे कुछ लोग इस विषय को उठाना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनकी अहमियत नहीं देंगे।